कोविड-19 टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। रिपोर्ट बाय पवन शर्मा। देश में कोविड मामलों के बढ़ने के चलते टीकाकरण अभियान में तेजी देखने को मिल रही है। 45 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति अब ज़्यादा संख्या में हॉस्पिटल और टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन में भी श्रेया हॉस्पिटल में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण हो रहा है। श्रेया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर SP तिवारी ने बताया कि उनके यहाँ टीकाकरण की अच्छी व्यवस्था है और ₹250 फीस देकर टीका लगवाया जा सकता है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीके लगा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है, जिसमें आधा घंटा टीका लगने वाले को ऑब्जर्वेशन में बैठाना भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आजकल करीब 150 लोग औसतन ये टीका लगवा रहे हैं। तिवारी जी ने लोगों से अपील की कि अगर आप निर्धारित आयु सीमा में आते हैं तो इस टीके को अवश्य लगवाएं, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना को मात दी जा सके। उन्होंने भारत सरकार के इस अभियान को सफल बनाने और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने पर भी जोर दिया। साथ ही मास्क पहनने और सोशल दूरी, हाथ धोने को भी अत्यधिक दूरी जरूरी बताया। उनका कहना है कि अगर हम सब मिलकर कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करें तो इस लड़ाई से जरूर विजय प्राप्त करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन शर्मा द्वारा। आज हमारे बीच श्रेया हॉस्पिटल शालीमार गार्डन के एडमिनिस्ट्रेटर SP तिवारी हैं, जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इनके दिशा निर्देशन में यहाँ चल रहा है। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। सर, कृपया बताएं कि ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कब से चल रहा है, किन किन लोगों को लगाया जा रहा है, क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं आपके हॉस्पिटल में? नमस्कार, मेरा नाम SP तिवारी है और मैं श्रेया हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से एज 45+ जो भी हैं उनकी हम वैक्सीनेशन की व्यवस्था की हुई है हमारे यहाँ पे, और हम डेली 100 से 150 लोगों को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और हम लोग 9 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, 5 बजे तक हमारा वैक्सीनेशन चलता है। और आप लोग से, हमारी जनता से निवेदन है, जो भी लाभार्थी हैं जो इस वैक्सीनेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, वो कृपया जब भी घर से निकलें तो एक मास्क कवर कर लें, साथ में सैनिटाइजर ले लें, और यहाँ पे आके जब भी हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन हम ऑनलाइन भी करा के आ सकते हैं और हम भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं श्रेया हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे आके एक डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ इंजेक्शन लगवाने के बाद कितनी देर वेट करना पड़ता है टाइम का, और पूरे प्रोसेस में अगर आदमी को लगवाना है तो कितना समय लग जाता है? जो वैक्सीनेशन का, कम से कम आधे घंटे आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में बैठना होगा हमारे यहाँ पे। और घर जाके कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर कोई फीवर उवर आता है आप लोगों को तो एक आप मेडिसिन अपने डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर मैं बताऊं कि वैक्सीनेशन स्टार्ट करने से पहले और आखिर तक, क्या आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, कितना समय लग जाता होगा एवरेज टाइम वैक्सीनेशन? सर, हम रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन कर देते हैं, उसके बाद हम आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठाते हैं। तो कुल माने तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सारी कार्यवाही पूरी हो जाती होगी। एक पर्सन की कम से कम आधे घंटे, 45 मिनट में करवाई जाती है। 45 मिनट में की जाएगी। तो अभी तक किसी केस ऐसा तो नहीं है जहाँ पे कोई ऐसा केस खराब होने की बात आई हो अभी तक, जिसने आपने वैक्सीनेशन करे? ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है तिवारी जी, आपके माध्यम से लोगों को हम जागरूक करेंगे, आप भी जागरूक कर ही रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। उम्मीद है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम अच्छा चलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।